तो मैं जो माँ प्ले कर रही हूँ, अब ऑफकोर्स मुझे रियल लाइफ में तो पता नहीं होगा, मेरे कोई बच्चे नहीं है। मैं डायलॉग्स को देख के समझ जाती हूँ कि मम्मी अगर मुझे डांटती तो ऐसे ही डांटती। इतनी हैवी ज्वेलरी इन दैट, यू नो, वी वर शूटिंग समवेयर आउट, इतनी गर्मी थी, आई थिंक 41 डिग्री था, हमने वो मेजर किया था, 41 डिग्री पे शूट करना वाज नॉट इजी। हमारी हालत ऐसी हो रही है तो इनकी तो मैं क्या ही सोच सकता था। एंड ऊपर से शी वॉज नॉट वेल, कि आप जिस वेश में होते हो नाइट ड्रेस में, ऐसे कि कोई आपको उस हालत में कोई पहचानेगा अभी स्टेशन पे आके ऐसे। सो सबसे पहले तो स्वागत है आप दोनों का हमारे चैनल में। थैंक यू। ये रिश्ता को काफ़ी टाइम से प्यार मिलते आ रहा है, डे वन से लेकर अभी तक तो कोई प्यार में कमी नहीं रही है। जो फैंस है वो हमेशा अपना प्यार लुटाते आए हैं, कैसे देखते हैं इसे पहले आप दोनों? प्यार देने के लिए ढेर 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 सारा धन्यवाद, और मेरी तरफ से आप सबको भी ढेर 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 सारा प्यार। हाँ, मतलब थैंक यू फॉर ऑल द लव सपोर्ट, मज़ा आता है, अच्छा लगता है, एंड यू नो इट मोटिवेट्स अस टू इवन यू नो डू मोर, एंड मतलब एक चार्ज हो जाते हैं ना कहीं, तो हमें भी जरूरत होती है चार्जिंग की। तो या अभी ना जिस तरीके से आपका कैरेक्टर आया है उसको लेकर क्या बोलना है? बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स तो मिलते ही होंगे, आप कैसे देखते हैं अपने कैरेक्टर को ये रिश्ता में? मैं जैसे देखता हूँ, जैसे आप लोग देख रहे हैं वैसे मैं भी देखता हूँ। मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो, मतलब कि जैसे जैसे आते जाता है। बिकॉज अगर आपका अगला सवाल मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है, नहीं पता हमको, मतलब और जैसे आते जाते हैं, यू नो आई कीप ऑन डूइंग दैट विद ऑनेस्टी। बाकी तो यू नो बढ़िया, थैंक यू फॉर ऑल द लव मैम। अभिनव का सवाल था। अच्छा, अक्षरा का जिस तरीके से आपने कैरेक्टर निभाया है, लोगों को जिस तरीके से आपने दिखाया है अपने कैरेक्टर को लेकर, एक अलग ही छाप छोड़ा है आपने, कैसे देखती है और कैसे आप इसको फील करती हैं? अगर अब बात किया जाए पोस्ट लीप अक्षरा की, तो मैं जो माँ प्ले कर रही हूँ, अब ऑफकोर्स मुझे रियल लाइफ में तो पता नहीं होगा, मेरे कोई बच्चे नहीं है, बट मुझे सच बताओ, अगर मैं ये प्ले कर रही हूँ तो मैं अपनी माँ को प्ले कर रही हूँ। मैंने आई थिंक हर इंटरव्यू में कहा है कि अभी जितनी बदमाश किड मैं भी थी, और मेरी मम्मा जैसे रिएक्ट करती थी ना, मैं डायलॉग्स को देख के समझ जाती हूँ कि मम्मी अगर मुझे डांटती तो ऐसे ही डांटती, तो मैं वैसे ही पोर्ट्रे कर रही हूँ, एंड पीपल आर लविंग इट, क्योंकि पीपल कनेक्ट कर पा रहे, हाँ ये मेरी मम्मी भी मुझे ऐसे ही डांटती है, तो मज़ा आ रहा है मुझे। सो अभी गणगौर का फेस्टिवल चल रहा है, कैसे सेलिब्रेट किया आपने और क्या कुछ देखने को मिलने वाला है ऑडियंस को? ये एम्बार्गो पे रहेगा, डोंट वरी, यू कैन से। नहीं, ये मेरे लिए तो पहली बार है गणगौर का सेलिब्रेशन, तो मुझे सारे रिचुअल्स पहली बार मुझे पता चले कि अच्छा ऐसा होता है। इट्स काइंड ऑफ वेरी, मतलब काफ़ी दिनों तक वाला ये गणगौर का जो प्रोसीजर होता है, कि पहले जो मूर्ति बनाना, फिर वो पूजा करना, फिर वहाँ जाना, फिर तो इट इज़ लाइक फॉर मी इट वॉज अ न्यू थिंग, एंड आई वॉज इन्जॉइंग एवरी बिट ऑफ इट, कि और एक अलग चीज़ें भी जानने को मिल रही थी कि अच्छा ऐसा ऐसे होता है। बट एक ही है कि मतलब हैट्स ऑफ टू ऑल द गर्ल्स, द वे दे मतलब हैव टू ड्रेस अप द हैवी दिस थिंग एंड विद द ज्वेलरी, मतलब हैट्स ऑफ टू ईच एंड एवरी गर्ल, इट्स नॉट ईजी। मज़ा आया, आई थिंक मेरे लिए भी पहला ही था इस शो में। हाँ, ओके, तो ये सारी चीज़ें करने को मिली, पहली बार मैंने देखा है, किया है, एंड ऑफ कोर्स विद द ज्वेलरी एंड द कॉस्ट्यूम, सब कुछ मेरे लिए बहुत ऑथेंटिक था, बहुत एकदम टिपिकल राजस्थानी था, तो बहुत मज़ा आया करने में। और एक और चीज़ मैंने देखा है कि एवरीवन ओके, एंड प्रणाली की तो उस दिन थोड़ी तबीयत भी वो थी, मतलब मैं अगर इसकी जगह होता ना तो मैं उतना डेडिकेटली वो नहीं कर पाता, बिकॉज बार बार जो मैं देख रहा था इन सबकी हालत जो हो रही थी, अगर हमारी हालत ऐसी हो रही है तो इनकी तो मैं क्या ही सोच सकता था। एंड ऊपर से शी वॉज नॉट वेल, सो मुझे एक अंदर से होता ना कि सबके लिए एक रिस्पेक्ट टाइप हो गई थी कि ओ गॉड, बिकॉज इतनी हैवी ज्वेलरी इन दैट, यू नो वी वर शूटिंग समवेयर आउट, इतनी गर्मी थी, आई थिंक 41 डिग्री था, हमने वो मेजर किया था, 41 डिग्री पे शूट करना वाज नॉट इजी। ओके, सो जानना चाहूंगी एनी फैन मोमेंट कुछ शेयर करना चाहेंगे जो अनएक्सपेक्टेड था? अरे अभी ऐसे एग्जैक्ट अब भी पूछोगे तो कैसे याद आएगा? इमीडिएट नहीं सोचे अरे याद नहीं आता है वैसे। मतलब फैन मोमेंट ऐसे कुछ तो नहीं है, मैं अभी दो दिन पहले अपने गांव गया था, मैं उतर के वहां पे अपने गांव के वो होता ना बिलबोर्ड, उस पे फोटो खींच रहा था मैं और मेरी फैमिली, माय मॉम डैड माय वाइफ, तो ऐसे खींच रहा था, तो पर वो हो नहीं रही थी ठीक से, तो सडनली अ गर्ल केम रनिंग
एंड मतलब कह रहे अरे अभिनव जी मैं फोटो खींच देती हूँ. और स्वेयर यू नो यू डोंट यू नो एक्सपेक्ट कि आप जिस वेश में होते हो नाइट ड्रेस में ऐसे कि कोई आपको उस हालत में कोई पहचानेगा अभी स्टेशन पे आके ऐसे. सो मम्मी मुझे ऐसे दिख रही है कि मम्मा वो अभिनव को जानती है मैं नहीं जानता हूँ उनको. सो यू नो इट वॉज काइंड ऑफ स्वीट कि पीपल वहाँ गाँव गाँव में भी यू नो दे वॉच द शो एंड इट्स गुड. ओके लास्टली व्यूअर्स को मैसेज दे दीजिए जो इतना प्यार देते हैं. थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. प्लीज कीप शावरिंग द ब्लेसिंग्स एंड एवरीथिंग. थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए एंड कीप लविंग.